नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉ एंड इंजीनियरिंग। मैं हूं आपका दोस्त मनीष माथुर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रेडिंगटन के बारे में। बेसिकली आपको पता ही है कंपनी ने अपना क्वार्टर वन का नंबर थोड़ी देर पहले डिस्क्लोज किया है, तो चलिए देखते हैं क्या है नंबर्स, क्योंकि नंबर्स थोड़े मिले जुले हैं। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू था 17,301 करोड़ था, जबकि पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू 13,454 करोड़ था, वहाँ से बढ़ के 16,803 करोड़ के आसपास आ गया। तो देखा जाए तो 16-10 साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर थोड़ी सी गिरावट भी देखने को मिली है। चलिए एक्सपेंस के ऊपर नजर डालते हैं, देखते हैं एक्सपेंस क्या है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंस 16,880 करोड़ था, पिछले साल 13,172 करोड़ था, जो कि इस क्वार्टर में 16,414 करोड़ के आसपास आ गया। तो ऑब्वियस है इस क्वार्टर में कंपनी ने पिछले क्वार्टर के मुकाबले रेवेन्यू थोड़ा कम किया है, इस वजह से एक्सपेंस भी थोड़ा सा कम है। चलिए ओवरऑल प्रॉफिट देख लेते हैं, क्या है कंपनी का प्रॉफिट। पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट 295 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 371 करोड़ था, जो कि इस क्वार्टर में बढ़ के 465 करोड़ के आसपास आ चुका है। जी हाँ, तो आखिरकार कंपनी ने रेवेन्यू घटाया ही, क्वार्टर क्वार्टर रेवेन्यू कम किया है, लेकिन प्रॉफिट के अंदर एक मैसिव जंप आपको देखने को मिला है। क्यों देखने को मिला है? क्योंकि कंपनी कुछ एक्सपेंस के ऊपर अपने वर्क किया है, जिसकी वजह से आपको एक्सपेंस थोड़ा अच्छे से देखने को मिला है, जो कि कंपनी का अच्छा खासा है। थोड़ी सी जगह पर देखिएगा तो वहाँ भी कंपनी को आपको थोड़ा पता चलेगा, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज की वजह से इस बार कंपनी को थोड़ा अच्छा खासा फायदा हुआ है, 141 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर मात्र 22 करोड़ था, पिछले साल 60 करोड़ के आसपास था। तो वो सारी चीज़ों की वजह से कंपनी का प्रॉफिट इस क्वार्टर में आपको ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन वो ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि ये ज़्यादा कुछ मतलब ज़्यादा पॉजिटिव आपको ये स्ट्रेंथ देगा। मुझे लगता है कि नॉर्मल सा रिजल्ट है, क्योंकि कंपनी का रिवेन्यू सबसे मेन है। कंपनी अपने रिवेन्यू में क्वार्टर क्वार्टर थोड़ी सी गिरावट दिखाई है, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा नेगेटिव है। बाकी अगर आप देखिएगा तो ओवरऑल नंबर्स बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छे हैं। क्वार्टर क्वार्टर बढ़ाया मतलब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाया, लेकिन मैंने आपको बताया ये प्रॉफिट क्यों बढ़ाया, उसके पीछे का क्या लॉजिक है। तो बस यही है बताना चाहूँगा, साथ में बताना चाहूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।